तो ये एक रिवीजन वीडियो है नेशनल इनकम की, इसके अंदर पूरा हम नेशनल इनकम जो मैक्रो का पार्ट है पूरा हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहले चीज़ आती है फैक्टर इनकम और एक होती है ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम वो होती है जिसके अगेंस्ट हम फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ट्रांसफर इनकम वो होती है जिसके अगेंस्ट कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं होती। ये एक अर्निंग कंसेप्ट है, ये एक रिसिप्ट कंसेप्ट है, ये बाइलेटरल है। मतलब इसमें दो चीज़ें होती है, गिव एंड टेक। क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं और इनकम रिसीव हो रही होती है। ये एक यूनिलेटरल है, ये सिर्फ टेक होता है, इसके अंदर सिर्फ मिलता है। इट इज़ इंक्लूडेड, फैक्टर इनकम इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और ट्रांसफर इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। रेंट, सैलरी, प्रॉफिट, रिटायरमेंट पेंशन, ये सब चीज़ें। रिटायरमेंट पेंशन आएगा क्यों? रिटायरमेंट पेंशन क्यों आएगा? क्योंकि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है। क्यों दिया है? रिटायरमेंट होने पर मिल रहा है, ये रिटायरमेंट के लिए नहीं मिल रहा, काम करा है इसलिए मिल रहा है। ठीक है, दैट्स वाई इज अ इट इज़ अ फैक्टर इनकम। लेकिन ओल्ड एज पेंशन ये चीज़ इंक्लूड नहीं होगी, ये चीज़ ट्रांसफर, क्योंकि बूढ़े होने पर मिल रही है, क्योंकि ये बूढ़े होने पर मिल रही है। देर इज़ नो फैक्टर इनकम, देर इज़ नो फैक्टर इन्वॉल्व है। स्कॉलरशिप हो गई, इसमें भी तो मेहनत लगती है, लेकिन इसमें कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं होती, दैट्स वाई इट इज़ नॉट इंक्लूडेड। गिफ्ट, डोनेशन, इनके अगेंस्ट कुछ करते नहीं है। ठीक है, अगली चीज़ मैंने बताई थी इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड। इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो कि यूज़ होते हैं फॉर फर्दर प्रोडक्शन या फिर फॉर फर्दर रीसेल। फिर आते हैं फाइनल गुड्स, वो होते हैं जो कि विच आर यूज दो तरह के, फाइनल गुड एज कंजम्पशन और फाइनल गुड एज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कोई भी गुड इंटरमीडिएट होगा या फाइनल होगा कैसे पता चलता है? गुड्स के ऊपर डिपेंड करता है या उसके यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है? उसके यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक कार अगर एक शोरूम वाला के पास है तो वो क्या चीज़ है? वो एक इंटरमीडिएट गुड है। ठीक है, और अगर कार वाला एक इंडिविजुअल बाय कर रहा है दैट इज़ अ फाइनल गुड एज कंजम्पशन, और अगर एक टैक्सी ड्राइवर कार परचेज करे दैट इज़ फाइनल गुड एज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब एक चीज़ बतानी थी, फाइनल और इंटरमीडिएट में से कौन सी चीज़ नेशनल इनकम में इंक्लूड करनी चाहिए? फाइनल लेनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि इस फाइनल गुड को ही ले लो? नहीं हो सकता, क्योंकि हर बंदा अपने प्रोडक्ट जब बेचता है तो बोलता है ये मेरा फाइनल है, लेकिन हो सकता है आगे वो चीज़ इंटरमीडिएट बन जाए किसी और के लिए। इसलिए जस्ट मैंने हिंट दिया, बाद में वो टॉपिक आएगा, फाइनल गुड अप्रोच, किस तरीके से हम वैल्यूएशन करते हैं, किस तरीके से नेशनल इनकम निकालते हैं। ठीक है, तो इंटरमीडिएट गुड को इनसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री भी कहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर प्रोडक्शन हो रही है या फिर हाँ इनको मतलब अभी प्रोसेसिंग इनके ऊपर हो रही है। फाइनल गुड क्या है? इनके ऊपर प्रोसेसिंग हो गई है, इन्हें कहते हैं आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री। फाइनल गुड्स इंक्लूड होते हैं, इंटरमीडिएट नहीं होते, अगर सिर्फ ऐसी चीज़ पूछे। लेकिन जब एक्चुअल में जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो फाइनल गुड आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए फाइनल को नहीं लेते। ठीक है ना, बट द कंसेप्ट इसकी फाइनल को ही लेना चाहिए। ठीक है, अगली चीज़ आती है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड के एग्जाम से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आने के चांसेस है। सर्कुलर फ्लो इनकम, वैसे तो हम जानते हैं चार तरह के सेक्टर होते हैं, कौन कौन से चार? हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम ये मान के चलते हैं, अब इसमें कुछ ना अजीब सी हमें अजम्पशन लेके चलनी पड़ती है। पहली चीज़ है ना गवर्नमेंट है ना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, दूसरी चीज़ हाउस होल्ड के पास दुनिया के सारे फैक्टर है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। फर्म क्या करती है? फर्म सारी चीज़ें हायर करती है, किससे? हाउस होल्ड से हायर करती है। ठीक है, और उसके बदले क्या देती है उसको? फैक्टर पेमेंट्स देती है। हाउस होल्ड सारी चीज़ें बना के किसको बेचती है? हाउस होल्ड फर्म जब चीज़ें बनाती है वो किसको बेचती है? हाउस होल्ड। और हाउस होल्ड अपनी सारी इनकम खर्च कर देता है कंजम्पशन के ऊपर, और उसके अगेंस्ट हाउस होल्ड क्या पे करता है? पेमेंट अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये जो पैसों का फ्लो हुआ है, गुड सर्विसेज के बदले के पैसे दिए हैं और फैक्टर सर्विस के अगेंस्ट जो पैसे दिए हैं, इस फ्लो को कहते हैं मनी फ्लो। और जो गुड सर्विसेज का और फैक्टर्स का फ्लो है उसे कहते हैं रियल फ्लो। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बोर्ड में 4 मार्क्स का टेस्टेबल है, जो आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक छवि बना देनी है, इस तरीके से ये करके दिखाओगे मार्क्स आपके मिल जाएंगे। ठीक है, अगली चीज़ रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब एक ऐसी मार्केट जो कि फाइनेंस प्रोवाइड करती है या तो फाइनेंस लेती है। ये एक बैंक भी हो सकता है, स्टॉक मार्केट भी हो सकती है। ठीक है, हाँ जी, हाँ मैं एक बार ना इस वीडियो के लिए अभी मैं एक बार बना देता हूँ, उसके बाद एक बार पूछ लेना जो चीज़ रहेगी। ठीक है ना, फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ से पैसे ले भी सकते हैं, पैसे दे भी सकते हैं। ठीक है, अगर फर्म को लगता है मुझे अभी और पैसे की रिक्वायरमेंट, मुझे और प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो बोरो करेगी। हाउस होल्ड को लगता है मुझे अभी और खर्चा करना है, तो ये बोरो करेगी। तो अल्टीमेटली इनके बीच का फ्लो क्या होगा? बढ़ जाएगा। फ्लो बढ़ने को कहते हैं इंजेक्शन ऑफ मनी फ्लो। ठीक है, और ये सोचता है कि अभी मेरे को प्रोडक्शन नहीं करनी, बाद में चाहिए होगी, अभी सेव कर लेता है। हाउस होल्ड कहता है मुझे अभी सारी मुझे कंजम्पशन नहीं करनी, मैं थोड़ा सेव कर लेता हूँ, उसे कहते हैं लीकेज। इनके बीच का जो फ्लो होगा, इनके आपस का जो फ्लो होगा वो कम हो जाएगा, इसे कहते हैं लीकेज इन मनी फ्लो। ठीक है,
उसके बाद हमने किए थे कुछ फॉर्मूलाज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आगे क्वेश्चंस के लिए. वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, फ्यूल, ये सब चीज़ें. वैल्यू ऑफ आउटपुट को कहते हैं GVO@MP. वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है, मैंने कितना आउटपुट बनाया का मतलब कितनी मैंने प्रोडक्शन की. या तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है प्राइस इंटू क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, सिंपल. या तो एक तरीका है बोलने का मैंने इतनी चीज़ें बनाई, या तो एक तरीका है आप कोई चीज़ बनाओगे क्या करते हो, या तो उसे सेल करोगे, या तो आपके पास स्टॉक पड़ा होगा, या तो आप उसे खुद कंज्यूम कर लोगे. तो क्वेश्चन में अगर क्वांटिटी प्रोड्यूस दिया हुआ तब तो भाई ये फॉर्मूला लगवा दो, आपका आंसर आ गया. अगर क्वेश्चन में ये प्रोड्यूस्ड वर्ड नहीं दिया हुआ, सेल्स दी हुई है, क्वेश्चन पता कंफ्यूज करने के लिए क्या देगा, क्वांटिटी सोल्ड, तो आप ये समझ लो कि क्वांटिटी प्रोड्यूस. तो उस टाइम पे दिमाग लगाना है कि हाँ ये वाले फॉर्मूले की बात हो रही है सेल्स, तो सेल्स होगा प्राइस इनटू क्वांटिटी सोल्ड. अगर क्वांटिटी सोल्ड दिया हुआ तो ऊपर वाला नहीं लगाना, वो चीज़ें कन्फ्यूजिंग हो सकते हैं कि हाँ क्वांटिटी सोल्ड प्राइस मल्टीप्लाई करके ये आता था, तो उस चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होनी. और चेंज इन स्टॉक, मेरा स्टॉक कितना बड़ा, मेरा पहले 10,000 का स्टॉक था, अब मेरा 20,000 का स्टॉक है, तो एक्स्ट्रा स्टॉक मैंने कितना बनाया, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग. अकाउंट्स में यही चीज़ हम ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करेंगे, उसका रीजन वहाँ पे अलग दिया हुआ है. यहाँ पे समझिए क्लोजिंग माइनस ओपनिंग क्यों करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में इंक्रीज इन स्टॉक देख रहे हैं, इंक्रीज मेरा कितना. और नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन. 99.9% क्वेश्चन में ये चीज़ जीरो दी होगी, लेकिन फॉर्मूले जब लिखेंगे, जब एग्जाम क्वेश्चन करेंगे, तो उस केस में ये चीज़ लिखनी जरूरी है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज नेट. मेरे पास ग्रॉस वैल्यू है, नेट पे पहुंचने के लिए मैं डेप्रिसिएशन लेस करूंगा. डेप्रिसिएशन का एक और नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या रिप्लेसमेंट कॉस्ट. फैक्टर से मार्केट, फैक्टर मतलब कि क्वेश्चन ये भी आ सकता है क्या फैक्टर कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है या नहीं होता. फैक्टर कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है. फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या होता है, फैक्टर लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर. लैंड का रेंट इंक्लूडेड होता है, लेबर का वेजेस इंक्लूडेड होते हैं, कैपिटल का इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है, और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है. और इस प्रॉफिट के ऊपर जब GST लगता है तो हमारे पास आ जाता है मार्केट प्राइस. तो टैक्स एक तरह से हम ऐड कर रहे होते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड होंगे. नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब टैक्स माइनस सब्सिडी. टैक्स मतलब कौन सा टैक्स, इनकम टैक्स नहीं लेना, इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि GST, कॉर्पोरेट टैक्स भी नहीं, इनकम टैक्स भी नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स. GST हो गया, कस्टम हो गया, VAT हो गया, CST हो गया, वैसे हट गए हैं, बट स्टिल आ जाए तो पता होना चाहिए. सिर्फ इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स, ये दो टैक्स हैं जो कि डायरेक्ट टैक्स में माने जाते हैं. वेल्थ टैक्स वैसे हट गया, वेल्थ टैक्स हट के वो इनकम टैक्स में ही इंक्लूड हो गया, जस्ट इन केस हाँ एग्जाम में आ जाए तो पता होना चाहिए कि वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, सिर्फ ये दो डायरेक्ट टैक्स हैं, उसके अलावा सारे टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं. ठीक है, उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे इसी के रिलेटेड कि हाँ इस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाए. फिर आती है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम. डोमेस्टिक इनकम का नाम होता है NDP@FC और नेशनल इनकम का नाम होता है NNP@FC. ठीक है, अगर मुझे डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाना है तो मैं क्या करूँगा, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA ऐड होता है. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को अगर मैं तोड़ूँ तो क्या बनता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. अब क्वेश्चन में दिया हुआ है फैक्टर, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 200 रुपये, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना हो, -200. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -200, तो -200 ही लेना है. तो हमें फ्रॉम के फॉर्म में ही देखना पड़ेगा क्या बन रहा है वो. ठीक है, अगली चीज़ डोमेस्टिक इनकम एक्चुअल में होती क्या है, इनकम जो कि बाउंड्री के अंदर कमाई हो वो तो है ही है, फिजिकल बाउंड्री. और डोमेस्टिक बाउंड्री का मतलब होता है पॉलिटिकल बाउंड्री तो है ही है. हमारी सारी शिप्स, हमारे सारे ऑयल रिग्स जो भी इंटरनेशनल पार्ट ऑफ सी में ऑपरेट कर रहे हैं, प्लेन ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट ऑपरेटिंग इन अब्रॉड, एयर जैसे यहाँ पे कोई एयरलाइन है जेट एयरवेज है, उनका एयरप्लेन अगर बाहर काम कर रहा है, बाहर इनकम कमा रहा है, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ डोमेस्टिक बाउंड्री. इंडिया की एम्बेसी अगर बाहर काम कर रही है वो भी यहाँ पे इंक्लूड होगी. आर्मी ऑफ डोमेस्टिक कंट्री जो कि बाहर में काम कर रही है वो भी यहाँ पे इंक्लूड होगी. हमें ये देखना है डोमेस्टिक इनकम में हमेशा हमें बंदा नहीं देखना, बंदा कोई भी हो हमें मतलब नहीं, हमें मतलब है बाउंड्री. डोमेस्टिक बाउंड्री से मतलब है, फिजिकल बाउंड्री तो है ही है और डोमेस्टिक बाउंड्री जो कि ऊपर मैंने पार्ट्स कवर किए वो भी चीज़ें हैं. ठीक है, अगली चीज़ आती है नेशनल इनकम. नेशनल इनकम में हम एक चीज़ देखते हैं बंदा क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए. चाहे वो बाउंड्री में कमाए बाउंड्री के बाहर कमाए हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ रेजिडेंट बंदा होना चाहिए. अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो कि डिस्कस करेंगे. ठीक है, और डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम पर रीच करने के लिए प्लस NFIA हम करते हैं, ये मैंने बता ही दिया था. अगली चीज़ आती है
इस तरीके से इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि हाँ कहाँ से मूवमेंट क्या प्लस डेप्रिसिएशन माइनस एनएफआई इससे प्रैक्टिस हो सकती है। फिर आए थे मेन नेशनल इनकम के फॉर्मूलाज मेन, जिससे क्वेश्चन 6 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब 6 मार्क्स का कंफर्म इसमें से आना ही आना है। अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आया इसका मतलब समझ लो कोई और पेपर ही तुम दे रहे हो, बोर्ड का पेपर नहीं आएगी। तो इन तीन में से एक आना ही आना है फॉर्मूला। वैल्यू एडेड मेथड जिसके बहुत कम चांसेस आने के, उसे नेट आउटपुट मेथड भी कहते हैं, प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। क्वेश्चन ये नहीं कहेगा कि बताओ वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, मतलब क्या होता है, मतलब ऐसे नहीं मुझे ये पूछ सकता है कि वैल्यू एडेड मेथड करते कैसे हैं, तो उसका थ्योरी में लिखना है। पहले हम अगर देख लेते हैं वैल्यू एडेड मेथड, नाम में लिखा हुआ है, पहले क्या करना है सारी वैल्यू एडेड जोड़ दो। वैसे वैल्यू एडेड को क्या कहते हैं, वैल्यू एडेड को कहते हैं GVOATMP। लेकिन अगर हम पूरे देश की, पूरे इंडिया में जितने भी वैल्यू एडेड है गुड्स की सर्विसेज की, उनको अगर हम ऐड कर दे तो हमारे पास क्या आ जाती है, GDPATMP। सारी वैल्यू एडेड जोड़ने के बाद हमारे पास तो फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाती है, उस प्रोडक्ट एक्चुअली प्रोडक्ट है तो उसे कहते हैं हम GDPATMP। तो अगर मैं बात करूँ GVO बोलेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट को GVO बोलेंगे, GVOATMP वैल्यू, मैं उससे कंफ्यूज हो गया, मैंने पूछा था वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज GVOATMP, ठीक है, ठीक है। सारी वैल्यू एडेड को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे पास आ जाएगा GDPATMP। तो अगर मैं GVOATMP और GDPATMP के बीच में डिफरेंस पूछूं तो डिफरेंस क्या है, सिर्फ ये है कि अगर मैं एक फॉर्मूला बना दूं समेशन ऑफ GVOATMP दिस इज इक्वल टू GDPATMP, दैट्स इट, है वही, देश की सारी GVOATMP जोड़ दो तो मेरे पास आ जाएगा GDPATMP, ठीक है ना, ये सेम ही चीज़ है। इसके अंदर क्या करते हैं, सारी GDP जोड़ दे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, प्राइमरी का वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट, सेकेंडरी का वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट, टर्शरी का वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट, तो मेरे पास आ जाएगा GDPATMP। GDPATMP से अब मुझे निकालना क्या है, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम होता है NNPATFC, मेरे पास है क्या GDPATMP, ठीक है, ग्रॉस से नेट जा रहा हूँ माइनस डेप्रिसिएशन, DP से NP जा रहा हूँ प्लस NFIA, मार्केट से फैक्टर जा रहा हूँ माइनस NIT, टैक्स हटाऊंगा, मार्केट के अंदर GST इंक्लूडेड है, GST से पहले वाली स्टेज पे जा रहा हूँ माइनस NIT, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इनकम मेथड। इनकम मेथड में क्या करते हैं, जितनी भी देश की इनकम है उसको जोड़ते हैं, चार फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। एक तो है कि चारों चीज़ें ऐसी दे दे जो कि नहीं आता, एग्जाम में अलग तरीके से क्लासिफिकेशन दी हुई, लेकिन है वही लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। इनकम मेथड में जोड़ के आता क्या है, डोमेस्टिक इनकम। इनकम मेथड में इनकम ही तो आएगी जोड़ के, कौन सी इनकम, डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। और डोमेस्टिक इनकम से हम नेशनल इनकम निकालेंगे कैसे, NFIA ऐड करके। अब इसमें तीन चीज़ें होती है, एक होता है कॉम्पनसेशन ऑफ, एक मिनट, एक चीज़ होती है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब उसके अंदर तीन चीज़ें आती है, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस इन सैलरी इन काइंड, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स बाय एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉय आ जाए तो नहीं लेना, अगर एम्प्लॉई आ जाए तो नहीं लेना, ये कन्फ्यूजिंग आ सकता है पॉइंट। प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस के तीन पार्ट्स होते हैं, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट के तीन पार्ट्स होते हैं, प्रॉफिट को थोड़ा बांट दिया दैट इज नोन एज डिविडेंड, प्रॉफिट को थोड़ा रख लिया दैट इज नोन एज रिटेन्ड अर्निंग, थोड़ा प्रॉफिट पर टैक्स दे दिया दैट इज नोन एज कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। प्लस मिक्स्ड इनकम, ऐसे लोग जिनकी इनकम इन दोनों में कहीं फिट नहीं हो पा रही तो उस केस में मिक्स्ड इनकम का पार्ट होता है। इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इसका दूसरा नाम आ सकता है इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को जोड़ के हमारे पास आ जाएगा NDPATFC। हमें निकालना क्या है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम निकालने के लिए क्या करूँगा, प्लस NFIA, तो हमारे पास आ जाएगा नेशनल इनकम। तो ये हमारा दूसरा मेथड कंप्लीट होता है, और एग्जाम में बहुत हाई चांसेस है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, चीज़ें सारी ऐसी ही दी होंगी, क्वेश्चंस भी हमने प्रैक्टिस किए ही हुए हैं, ठीक है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत इजी। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर हमने लोन लिया है फॉर प्रोडक्शन पर्पस, उसका जो इंटरेस्ट है वो आएगा, नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। लेकिन अगर प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए नहीं लिया, लोन पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होगा, अगर वो कंजम्पशन पर्पस के लिए लिया। गवर्नमेंट जब भी लोन लेती है किसके लिए करती है, कंजम्पशन पर्पस के लिए, कंजम्पशन पर्पस के लिए, ठीक है। तो अगर बोले गवर्नमेंट डेप्ट या इस तरीके से आ जाएगा तो उसको नहीं लेना। अगला आता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा कर रहे हैं, खर्चा किस चीज़ पे कर रहे हैं, गुड सर्विसेज के ऊपर कर रहे हैं, गुड सर्विसेज के ऊपर कर रहे हैं, तो इनका टोटल क्या आएगा, GDP। गुड सर्विसेज की जब भी बात आए GDP, और इनकम जब भी जोड़ रहे हैं, इनकम मेथड से क्या आता है, NDPATFC, डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर हमें पता है चार लोग करते हैं, कौन 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 से हो गए, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाउस होल्ड जो करता है उसे हम कहते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो करता है उसे कहते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बाकी दुनिया के साथ क्या करते हैं, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स,
नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। जो फर्म होती है इसमें एक चीज़ आती है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, क्वेश्चन में ये दिया होगा, अगर नहीं दिया हुआ तो। इसके अलावा दो चीज़ें दी होंगी इसके, क्योंकि दो पार्ट्स होते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है तो आपको ये दोनों चीज़ें जोड़ के लानी है, अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है तो इस चेंज इन स्टॉक का काम नहीं है, उसे इग्नोर करना है, क्योंकि भाई बताना ऊपर वाली चीज़ दी हुई है तो क्यों करना है। क्वेश्चन में हो सकता है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो नेट से ग्रॉस में लाने के लिए क्या करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन कर देंगे। तो ये चीज़ें नेट ग्रॉस ये चीज़ तो पता होनी चाहिए किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जी डी पी एट एमपी, और मुझे क्या निकालना है, नेशनल इनकम, दैट इज एन एन पी एट एफ सी, ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डी पी से एन पी प्लस एन एफ आई ए, मार्केट से फैक्टर माइनस एन आई टी। तो इस तरीके से ये तीसरा फॉर्मूला खत्म है, और सबसे ज़्यादा चांसेस या तो दूसरे वाला आएगा या तो तीसरे वाला आएगा या तो दोनों आ जाएंगे। दोनों में क्या होगा, कम डेटा दिया होगा, तीन तीन नंबर का आ जाएगा कि तीन नंबर का पहला मेथड, तीन नंबर का दोनों। और ये एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी मेथड लगाओ तीनों में आंसर सेम आएगा, अलग आएगा, अलग अलग का मतलब कि जो हम एन एन पी एट एफ सी निकाल रहे हैं, ये एन एन पी एट एफ सी तीनों मेथड से जो एन एन पी एट एफ सी निकाल रहे हैं ये सेम आएगा, अलग आएगा। अरे इनकम तो देश की इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, अरे पाँच माइनस दो, एक तरीका पाँच माइनस दो तीन है, एक है दो प्लस एक, ये तीन है। अरे भाई मेथड जो मर्जी लगाओ इनकम तो उतनी है, ये थोड़ी कि इस मेथड से लोगों की ज़्यादा इनकम होगी, ऐसे कैलकुलेट करूँगा तो कम इनकम होगी, तीनों मेथड से इनकम सेम आएगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन अगर आया जिसमें दो दोनों निकालने के लिए बोला गया है तो पहली बात तो चेक कर नहीं सकते, लेकिन दो दिए हुए हैं तो हाँ चेक करने का मौका है कि हाँ दोनों के आंसर नेशनल इनकम का सेम आना चाहिए। अब यानी कि एक मेथड बोल रहा है जीडीपी निकालो, एक मेथड बोल रहा है एनएनपी निकालो, तो लगाएगा ही हो, तो ऑब्वियसली बात है, ठीक है ना। द थिंग इज की नेशनल इनकम या जीडीपी या कुछ भी चीज़ निकालो दो मेथड से तीन मेथड से, तो तीनों का आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है ना। देखने का एक नज़रिया कि किस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। फिर अगली चीज़ आई थी हमारी स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल वो होता है जो कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे मेजर करते हैं, फ्लो वेरिएबल वो होता है जो कि ड्यूरिंग अ पीरियड हम एक मेजर करते हैं, पॉइंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। एग्जांपल है वेल्थ हो गया, कैपिटल हो गई, ड्यूरिंग अ ड्यूरेशन होगी जैसे कि नेशनल इनकम ड्यूरिंग द ईयर, कैपिटल फॉर्मेशन ड्यूरिंग द ईयर, ये चीज़ें होती है। फिर हमने किया था नॉमिनल एंड रियल जीएनपी, नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। नॉमिनल जीएनपी क्या होता है, जो कि हम आज के प्राइस पे देखते हैं या बेस के प्राइसेस पे देखते हैं, वैल्यू डेट करंट ईयर प्राइसेस, और रियल वाला हम देखते हैं बेस ईयर प्राइसेस। असली निकालना है, असली का मतलब प्राइस आज का भूल जाओ, हमें देखना है क्वांटिटी से हमें मतलब है, ठीक है। इट रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी इन अ ईयर वैल्यू डेट करंट ईयर प्राइसेस, और यही चीज होगी वैल्यू डेट बेस ईयर प्राइसेस, बाकी सेम डेफिनेशन है। इट इज़ अफेक्टेड बाई चेंज इन बोथ प्राइस एंड आउटपुट लेवल, और ये सिर्फ चेंज कर सकते हैं सिर्फ आउटपुट लेवल से सिर्फ, क्योंकि इससे प्राइस तो कॉन्स्टेंट रहेगा। अगली चीज़ आती है हमारी, दैट इज कि वही बात बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं कि इट कैन बी इंक्रीज विदाउट इंक्रीज इन आउटपुट, कैसे बढ़ जाएगा फिर प्राइस को बढ़ा के, ये सिर्फ बढ़ा सकते हैं सिर्फ आउटपुट को बढ़ा के। एक्चुअल ग्रोथ रियल से दिखती है, नॉमिनल से दिखती है, एक्चुअल ग्रोथ हमारी रियल से दिखती है, नॉमिनल से एक्चुअल ग्रोथ नहीं दिखती। इसे कहते हैं नेशनल इनकम एट करंट ईयर प्राइस, इसे कहते हैं नेशनल इनकम एट बेस ईयर प्राइसेस। अगर हम फिर से एक और क्वेश्चन देखें इस तरीके से आ जाएगा, व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, पहले था हमारा जीएनपी, डीपी का मतलब कि डोमेस्टिक बाउंड्री, जो ऊपर हो गया था पहले वाले ऑल वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें क्या इसमें हम क्या बात करेंगे, इसमें हम बात करेंगे बाउंड्री की बात करेंगे। मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री वैल्यू डेट करंट ईयर, करंट ईयर क्यों, क्योंकि नॉमिनल है। रियल का मतलब यही डेफिनेशन है, वैल्यू डेट बेस ईयर प्राइसेज, बाकी एक दो तीन ये पॉइंट तीनों के तीनों सेम। अगली चीज, इट इज़ कॉल्ड नेशनल इनकम, नहीं यहाँ पर डोमेस्टिक आना चाहिए, इट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम, इट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम क्यों, क्योंकि डीपी है ना ऊपर, इट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम एट करंट ईयर, इट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम एट बेस ईयर प्राइसेस, ठीक है। तो अगला जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज वेरी वेरी इजी, इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, इसके अंदर एक चीज बोली गई है जो कि ऊपर किया हुआ है, बताओ कैसे नेशनल इनकम करते हैं वैल्यू एडेड मेथड से, वही चीज होगी कि हमें भागना आता है, अब बताओ भागते कैसे हैं, बताओ हमें कैसे करते हैं। तो वही चीज़ बोलेंगे, सारी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स निकालो, उनको निकालो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, सबकी वैल्यू एडेड निकालो, इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करके फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आउटपुट, फिर हमारे पास आ जाएगा जीडीपी एनडीपी, जीडीपी एमपी से ये करो वो करो, ये माइनस करो प्लस करो, हमारे पास आ जाएगा नेशनल इनकम। ये क्वेश्चन आ गया तो बहुत ही ईजी है, थ्योरी में आ जाएगा तो, ठीक है।
क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए वैल्यू एडेड मेथड करते हुए, ये थोड़े से याद करने पड़ेंगे कि हाँ क्या प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस के रिगार्डिंग दो मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, क्या टू मार्क्स का दो प्रिकॉशंस पूछे जा सकते हैं, कि हमें सिर्फ फाइनल वैल्यू, फिर हमें फाइनल गुड्स को लेना है, इंटरमीडिएट को नहीं लेना, नहीं तो क्या होगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी। सेल परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स को नहीं लेना, क्यों नहीं लेना, क्योंकि वो पहले से पहले इंक्लूड हो गए हैं। गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर इंक्लूडेड बिकॉज, वेयर एज सर्विसेज प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि उनकी वैल्यू एस्टिमेट करना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ एसेट्स, खुद बैठ के तुम एसेट्स बना रहे हो या गवर्नमेंट बना रही हो, उसे हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय डबल काउंटिंग, ये बहुत ही अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो 6 नंबर का वो आना ही आना, और बाकी क्योंकि 12 नंबर की पूरी नेशनल इनकम है, 12 में से 6 नंबर का तो वो पक्का हो गया, बाकी 6 नंबर में से जो ज़्यादा चांसेस है या तो सर्कुलर फ्लो आ जाएगा या तो ये डबल काउंटिंग वाला ये क्वेश्चन, ये 4 नंबर में ही आ सकता, 2 नंबर का मैंने बता दिया कोई ना कोई प्रिकॉशन आ जाएगा, तो 12 नंबर मैंने पक्के कर लिए नेशनल इनकम में क्या क्या चीज़ें आ सकती है। ठीक है, ये 4 नंबर का डबल काउंटिंग आ सकता है, 6 मार्क्स का भी आ सकता है, मतलब अलग अलग तरह से हो सकता है। डबल काउंटिंग पर बता दो, रेफर्स टू काउंटिंग ऑफ वैल्यू मोर देन वंस इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हर सेलर मानता है मेरा प्रोडक्ट फाइनल, लेकिन हो सकता है वो चीज़ आगे के लिए किसी और के लिए इंटरमीडिएट हो, तो इसलिए अगर हम हर बंदे की इस तरीके से अगर हम जोड़ेंगे, इंटरमीडिएट को जोड़ेंगे, तो डबल काउंटिंग हो जाती है। जैसे ए बंदा है, ये ऊपर नीचे थोड़ा हो गया, ए बंदे ने कॉटन बनाई 500 की, मान लेते हैं इसकी जो कॉस्ट थी लेट वॉज जीरो, इसने जीरो से 500 की, फिर इसने 500 की चीज़ 800 में बेची, 800 की चीज़ 1000 में, 1000 की चीज़ 1500 में, अगर इन सब को अगर ये माने भाई मैंने तो 500 में बेच दी तो फाइनल है, ये सोचे 800 रुपये फाइनल है तो फाइनल है, तो उस केस में देखो कोई भी अगर हमें डबल, अगर हम इन सबको कैलकुलेट कर देंगे, सबकी ग्रॉस वैल्यू ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट आएगा वो हमारे पास डबल काउंट के साथ आएगा, इसलिए हमारी जो ट्रू एक्चुअल जो इनकम जनरेट हुई है वो इससे डिपेक्ट नहीं हो पाती। तो इसको ठीक करने के लिए दो मेथड होते हैं, एक होता है वैल्यू फाइनल वैल्यू अप्रोच। फाइनल वैल्यू अप्रोच कहता है सिर्फ फाइनल वैल्यू को ले लो, मतलब कि सिर्फ इस 1500 को ले लो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, वही रीज़न, क्योंकि हर सेलर अपने प्रोडक्ट को फाइनल मांगता है, तो उसकी जगह हम एक लगाते हैं अप्रोच, दैट इज़ वैल्यू एडेड अप्रोच, जिसमें क्या करते हैं हर स्टेज पे हम वैल्यू एडिशन निकालते हैं कि हर बंदे ने कितनी एडिशन की, इस बंदे ने 500 की एडिशन की, इस बंदे ने 300 की, इस बंदे ने 200 की, इस बंदे ने 500 की, तो अगर हम सबको अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे फाइनल वैल्यू की ही, हमारे फाइनल प्रोडक्ट की ही वैल्यू आ जाएगी। तो वैल्यू एडेड अप्रोच हमें लगाना चाहिए। ठीक है दोनों मेथड, लेकिन प्रैक्टिकली कौन सा पॉसिबल नहीं है, वैल्यू फाइनल गुड अप्रोच, फाइनल वैल्यू अप्रोच, जो फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच जिसे कहते हैं, फाइनल वैल्यू अप्रोच या फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच, ठीक है, तो चीज़ पॉसिबल नहीं है। वट आर द स्टेप्स वाइल टेकिंग इनकम मेथड से कैसे निकालते हैं, वही चीज़ होगी, वही वाला कि कॉम्पनसेशन ये वो तीनों चीज़ों को जोड़ दो, इनकम आ जाएगी, NDPFC उनमें से NFI ऐड कर लो, वही स्टोरी में दिया हुआ। अगली चीज़ आती है इनकम मेथड से करते हुए क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, कि सिर्फ फैक्टर इनकम को लो, ट्रांसफर इनकम को नहीं लेना, सेकेंड हैंड गुड्स को इंक्लूड नहीं लेना, लेकिन सेकेंड हैंड गुड्स को सेल होने पर जो ब्रोकरेज लगती है, जो कमीशन लगती है, उन सबको इंक्लूड करें, क्योंकि उसके अगेंस्ट सर्विसेज दी है। अगर फाइनेंशियल एसेट जैसे कि शेयर, डिबेंचर, इन सबको सेल कर रहे हो, तो उस पर जो प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, वो चीज़ इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है। ठीक है ना, ओनरशिप ट्रांसफर, कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं हो रही, कोई विंडफॉल गेम, लॉटरी, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन का मतलब कि एसेट की वैल्यू बढ़ना, प्लांट, मैंने एक बिल्डिंग ली, एक मैंने फ्लैट लिया, फ्लैट की वैल्यू बढ़ गई, मैंने उसे बेचा प्रॉफिट पे, वो प्रॉफिट नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होगा, बिकॉज देर इज नो प्रोडक्शन एक्टिविटी इन्वॉल्व। ठीक है, इंप्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड होम्स, मतलब कि मैं घर पे रह रहा हूँ और उस घर को अगर मैं रेंट पे देता तो कितनी इनकम मिलती, वो इनकम इंक्लूड होगी, वो इनकम इंक्लूड होगी। हाँ जी, अगली चीज़ आती है हमारी, ये कुछ डेफिनेशन है, इन डेफिनेशन को याद करने के लिए एक शॉर्टकट बनाया हुआ है, दैट इज़ जी मीन्स फाइनल, एन मीन्स नेट फाइनल, MP मीन्स मार्केट वैल्यू, FC मीन्स मनी वैल्यू, ये कोई ऐसा नहीं है याद करना है, मतलब इससे डेफिनेशन ईजी हो जाएंगी। DP मीन्स डोमेस्टिक, NP मीन्स नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे डेफिनेशन है GDP एट MP, एक बार फर्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं, उससे बाकी डेफिनेशन बनानी ईजी हो जाएंगी। इट इज़ दी मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ नेट फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ नेट फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड by the normal resident of a country in an accounting year. It is the money value of final goods and services produced within the domestic boundary of a
country in an accounting year. It is the money value of net final goods and services produced within the domestic boundary of an country in an accounting year. It is the money value of final goods and services produced by normal residents of a country in an accounting year. It is the money value of net final value of goods and services produced by the normal residents of a country in an accounting year. ये national income NNP at FC. ठीक है, तो कोई भी ऐसी definition आए वो तो लिख ही पाएंगे, एक number में आ जाए तो पता ही है सबको. अगली चीज आती है हमारी, क्या steps चाहिए, क्या स्टेप्स लगाने चाहिए एक्सपेंडिचर मेथड लगाते टाइम. वही एक्सपेंडिचर मेथड में पहले चार सेक्टर देख लो, फिर चारों का प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वही चीज़ लिखी हुई थ्योरी में जो हमने किया प्रैक्टिस प्रैक्टिकल में. अगली चीज़ आती है, व्हाट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर इनकम. ये क्वेश्चन ही बहुत कन्फ्यूज हो रहे थे, क्वेश्चन नहीं पता लेकिन आंसर सबका पता है. डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है जो कि देश के अंदर कमाई है. इनकम, डोमेस्टिक इनकम मतलब कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, मतलब कि ये पूछ रहे हैं जो हम निकालते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉई, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्सड इनकम, ये क्या चीज़ें होती हैं इनको एक्सप्लेन करो. तो सबसे पहले बता रहे हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉई, इट इज़ द रिवॉर्ड पेड टू एन एम्प्लॉई फॉर हिज फिजिकल और मेंटल सर्विसेज रेंडर्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. तीन वे से हो सकती है, वेजेस, सैलरी इन कैश, काइंड, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, वही चीज़ बता दी. ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, तीन चीज़ें होती है, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. रेंट एंड रॉयल्टी मतलब कि रेंट इज द इनकम अर्न बाय लैंडलॉर्ड फॉर प्रोवाइडिंग हिज लैंड, लैंड, बिल्डिंग और एनी सब सॉइल एसेट्स. ठीक है, इट इज़ टू बी नोटेड दैट डोमेस्टिक इनकम ऑल्सो इंक्लूड्स इंप्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय. की हाउसेज की जब बात हो रही बता दो कि हाँ भाई ये चीज़ भी इसके अंदर आती है, लिखो ना लिखो मतलब वैसे कोई बात नहीं है, बट हाँ एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाता है. रॉयल्टी इज द इनकम अर्न फ्रॉम इंटेंजिबल एसेट लाइक कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स. इंटरेस्ट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेक्रीफाइस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, सिंपल. प्रॉफिट, इसके अंदर इंटरेस्ट वाली बात वो बतानी है कि प्रोडक्शन वाली लेनी है और कंजम्पशन वाली नहीं लेनी, इंटरेस्ट में वो चीज़ बता सकते हो. रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग, ठीक है ना, कि सबको, सब फैक्टर्स को ऑर्गेनाइज करना, उसके बदले उसे ये मिलता है. मिक्स्ड इनकम, इट इज़ द इनकम ऑफ दोज सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हु प्रोवाइड ऑल फैक्टर सर्विसेज ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल इन देयर बिजनेस. सो द इनकम इंक्लूड, उनकी इनकम में सारी चीज़ें आती हैं, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट, उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिनको क्लासीफाई करना एज अलग वो पॉसिबल नहीं होता. ठीक है, अगली चीज़ आती है, व्हाट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ NFIA. NFIA क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब कि वहाँ का बंदा, बाहर वाला जो हमारा रेजिडेंट है वहाँ से जो इनकम आ रही है, माइनस हमारे यहाँ कोई बाहर का रेजिडेंट है वहाँ पे जो इनकम जा रही है, दैट इज़ नोन एज NFIA. NFIA में तीन चीज़ें आती, कॉम्पोनेंट, इसके अंदर की चीज़ नहीं पूछ सकते, बस नाम पता होने चाहिए. नेट कॉम्पनसेशन एम्प्लॉइज फ्रॉम अब्रॉड, बाहर के एम्प्लॉई वाला का डिफरेंस हो गया. प्रॉपर्टी एंटरप्रेन्योरशिप, बाहर कोई बिजनेस कर रहा है उस सब का डिफरेंस हो गया. नेट रिटेन अर्निंग ऑफ रेजिडेंट कंपनी, किसी रेजिडेंट कंपनी की रिटेन अर्निंग्स है, वो वाला पार्ट हो गया इसके अंदर. ठीक है, अगला जो टॉपिक हमारा आता है दैट इज रियल GDP कैलकुलेशन. रियल GDP क्या होती है, जिस पे हम आज के प्राइसेस को देखते हैं या बेस के प्राइसेस को देखते हैं, रियल में बेस के प्राइसेस को देखते हैं. तो अगर क्वेश्चन में हमें नॉमिनल GDP या रियल GDP दिया हुआ है तो उस केस में क्या करेंगे, नॉमिनल खुद बेस ईयर है या खुद आज के प्राइस है, नॉमिनल तो खुद आज का प्राइस है ना, तो खुद से डिवाइड कर दो, खुद होता है प्राइस इंडेक्स. या तो क्वेश्चन में दे सकते हैं ये जो दूसरी चीज़ है दैट इज GDP डिफ्लेटर. GDP को कितना कह सकते हैं ना, एक टायर होता है, टायर को पंक्चर करते हैं, GDP जो डिफ्लेट हो जाता है, गाड़ी धीरे चलती है. इसी तरीके से देश की चलने की स्पीड हम GDP से मेजर करते हैं और उस चीज़ को डिफ्लेट करता है महंगाई. ठीक है ना, तो इसे कहते हैं GDP डिफ्लेटर या महंगाई. ठीक है ना, महंगाई मतलब आज के प्राइस. तो इसलिए नॉमिनल आज के प्राइस है, नॉमिनल नीचे हम प्राइस इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे या तो GDP डिफ्लेटर से डिवाइड कर देंगे. और हमें निकालना क्या है, रियल का मतलब बेस का मतलब 100. तो जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास ऐसा आ जाएगा रियल. चाहे रियल GDP निकालना हो, रियल GNP निकालना हो, कुछ भी रियल निकालना हो तो यह फॉर्मूला होगा. और रियल से नॉमिनल जाना है तो वही उल्टा फॉर्मूला हो जाएगा, रियल खुद 100 है तो रियल डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस इंडेक्स या फिर GDP डिफ्लेटर. ठीक है, लास्ट चीज़ आती है हमारी GDP एंड वेलफेयर. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पर्सनली मैं बोर्ड में छोड़ के गया था और इस वजह से मार्क्स डिडक्ट हो गए थे. GDP एंड वेलफेयर, GDP एंड वेलफेयर की क्या GDP का वेलफेयर के साथ कोरिलेशन है या नहीं है? है, कुछ ना कुछ है, लेकिन परफेक्ट अगर कहूँ, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन वो चीज़ नहीं है कि हाँ GDP बढ़ रही है मतलब वेलफेयर भी हो रहा है. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ GDP, हो सकता है कि जो GDP जो भी गुड्स सर्विसेज प्रोडक्शन हो रहे हैं उन गुड्स एंड सर्विसेज का फायदा सिर्फ अमीर ले पा रहे हैं, तो देर इज इनइक्वालिटी, उस केस में उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता, उतना वेलफेयर नहीं हो पाता. चेंज इन प्राइसेस मतलब कि प्राइसेस बढ़ गए, उससे क्या होगा,
जीडीपी का अमाउंट बढ़ जाएगा, लेकिन एक्चुअल में वेलफेयर ग्रो वेलफेयर नहीं हुई है। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस मतलब कि जैसे कि घर में गार्डनिंग कर रहे हो, ये सब चीज़ें कर रहे हो, वो सब चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी, ऑल दो वेलफेयर हो रहा है, ठीक है। एक्सटर्नैलिटीज़, एक्सटर्नैलिटीज़ हो सकते हैं बेनिफिट्स, हो सकते हैं हार्म्स, हो सकते हैं कॉज्ड बाय अ फर्म विच दे आर नॉट पेड और पीनलाइज्ड, ठीक है। इसके अंदर एग्जांपल होते हैं नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी और पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का मतलब एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन फैला रहे हो, ऑल्दो जीडीपी बढ़ रही है लेकिन वेलफेयर कम हो रहा है। हो सकता है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़, आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ें यूज़ कर रहे हो, आप चेक कर रहे हो, आप हाँ और सब चीज़ें आप अच्छी चीज़ें कर रहे हो, जिसको ऑल्दो प्रोडक्शन से रिलेशन नहीं है, आपकी जीडीपी मतलब जीडीपी और उसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये नेगेटिव जिससे लेकिन कि पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है सोसाइटी में, वेलफेयर होता है लेकिन जीडीपी में इतना इंक्रीज नहीं होता है। नेगेटिव मतलब जिससे जीडीपी तो जीडीपी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, जीडीपी ज़्यादा हो कम हो लेकिन वेलफेयर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। लास्ट चीज़ आती है रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर हम जीडीपी एक्चुअल में ग्रो भी कर रही है, उस केस में अगर पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जीडीपी ग्रोथ, तो उस केस में जो पर कैपिटा जो जीडीपी के ऊपर जीडीपी बैठेगी वो कम आएगी, अल्टीमेटली वेलफेयर कम हो रहा है रैदर देन इंक्रीजिंग। तो ये जो वीडियो थी आधे घंटे की, इसमें पूरे आधे घंटे में पूरी नेशनल इनकम रिवाइज कर ली।